हेलो डॉक्टर बलजीत सिंह सहारन, अगर इनके बारे में बताएं तो इनको सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है, थीसिस दी है, जिससे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा सहायता हुई है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें इन्होंने भारत की जितनी भी हरियाणा से या गुजरात से अलग अलग जगह से जितनी भी गायें हैं, जो देसी गायें हमारी हैं, उनके गोबर से टेस्ट किया है। और उसके बाद वही टेस्ट इन्होंने जो विदेशी गायें हैं अलग अलग देश में पाई जाती है वो टेस्ट किए हैं, तो उसमें इन्होंने पाया है कि जो हमारे देश की जो गायें हैं उसके अंदर करोड़ों प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, और ये सिर्फ जो भारतीय गायें हैं उन्हीं के अंदर है, बाकी किसी में नहीं है। तो ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए हैं, जर्मनी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, यूएसए के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और करंटली ये हमारे हिसार के अंदर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एज ए सीनियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट डॉक्टर बलजीत सिंह सहारन, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड एनलाइटन अस। डॉक्टर बलजीत सिंह सहारन, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। थैंक यू, बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे भाई बलजीत, डॉक्टर शिवाज सतपाल जी और डॉक्टर साहब की टीम जो यहाँ पे काम करती है, सारे टीचर्स और बच्चे, बच्चों के पेरेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने बलजीत भाई को, जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं बलजीत जी यादव, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इस एरिया में इतना अच्छा स्कूल होना और एक इतनी अच्छी फैसिलिटी होना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। क्योंकि हमारे जो गांव हैं, गांव में प्रतिभा बहुत है, गांव का बच्चा कुछ भी कर सकता है अगर उसके डायरेक्शन सही है, अगर उसको हम सही मौका दें गांव के बच्चे को, तो उसमें टैलेंट है। आप देख लो, जितने भी अच्छे खिलाड़ी निकले हैं वो सारे गांव से हैं, जितने भी अच्छे साइंटिस्ट निकले हैं वो सारे गांव से हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सोशल वर्कर हैं, आप कोई भी देख लो, बेसिकली उसका जो बैकग्राउंड है वो गाँव का मिलेगा। क्योंकि गाँव में बच्चे की ऑलराउंड जो डिवेलपमेंट है, बच्चे को सारे मौके मिलते हैं। अब ये देखो, जो फसल है अपनी, अगर आप उसको खाद पानी देते रहें देते रहें देते रहें तो देखना उसे फल कम लगेगा। ऐसे ही अगर आदमी को, अगर बच्चे को आप हमेशा पैम्परिंग करते रहें, चढ़ाते रहें, उसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस ही ना होने दें, तो वो बच्चा इतना कामयाब नहीं होता। गाँव का बच्चा है वो सारी चीज़ें फेस करता है, गाँव में उसको सारी फैसिलिटी नहीं मिलती। कई बार उसके पास किताब नहीं होती, कई बार उसको बताने वाला नहीं है, कई बार उसको जानकारी नहीं है, टाइम पे फार्म नहीं भर पाता, कई बार कोई पैसे की कमी है, कोई ना हो तो मैं पढ़ लूं। और गांव का बच्चा जब ये चीजें सोचता है तो उसका जो कैलिबर है, उसका जो टैलेंट है, उसमें वो बेस्ट कर पाता है। तो बलजीत भाई, आपका मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि ऐसे एरिया में और आप इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, और आपने आज मुझे मौका दिया। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, और साइंस तो जितने भी बच्चों कहाँ तक भी चले जाओ आप, जैसे जैसे बड़े होते हैं, पांचवीं तक हम थोड़ा पढ़ते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ग्यारहवीं बारहवीं पता लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, इसके तो पैकेट होते हैं और ये वेव्स की तरह चलता है, तरंगों की तरह चलता है। तो शुरू शुरू में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जैसे तीन गत्ते लो, इधर मोमबत्ती जलाओ, उनमें छेद करो, और आपको अगर मोमबत्ती दिखती है, उसकी लाइट दिखती है, गत्ते अगर तीनों छेद एक लाइन में हैं, अगर आप बीच वाला गत्ता थोड़ा डिस्टर्ब कर दो तो आपको मोमबत्ती की लाइट नहीं दिखती है। तो हमारे ये बुजुर्ग भी आए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पे। नमस्कार जी। तो बच्चों, मैं आज आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ, जो आपको बातें बताना चाहता हूँ, मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, और वो मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। अब जैसे अगर हमें बीज को उगाना हो,
आप लोग सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेतीबाड़ी से रिलेटेड हैं। जब हम बीज को उगाते हैं तो बच्चों ये देखो कि बीज को उगाना भी एक आसान काम नहीं है। कितने बच्चे हैं जो जानते हैं कि बत्तर आ रही हो तो वह बीज डाल देते हैं तो बीज उग जाता है। हाथ खड़े करो, शाबाश, पूरा करो। कितने बच्चे हैं जो ये जानते हैं कि दही कैसे बनता है? हाथ खड़ा करो। इतने जानते हैं? देखो बच्चों, हंसना नहीं है और आपको यह नहीं सोचना कि कौन क्या कहेगा। अगर आपको दही बनाना आता है, दही कैसे बनता है, अगर आप जानते हो तो हाथ खड़ा करो। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, फिर आपको बता देंगे। देखो कभी भी अपने अपने से बड़ों से, अपने टीचर से हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ है पूछो, एक गैप रखो, हमें पता होता है, हमें हमेशा अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। और जब ये कोई भी प्रोसेस है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि अगर दही बनाना हो तो कैसे बनता है, अगर बीज को उगाना हो तो कैसे उगता है, ये छोटी छोटी चीज़ें यहीं से साइंस शुरू होती है। तो जब जैसे अपना जमीन को तैयार करते हैं, जमीन तैयार करने के बाद, जमीन देखो तैयार करना एक बहुत बड़ी बात है कि कितना पानी होना चाहिए, पानी लगाए हुए हमें कितना दिन हो गया, नमी कितनी है। अगर नमी बिल्कुल सही है आप उसको बत्तर बोलते हैं, और जमीन को तैयार करते हैं और फिर उसमें बीज डालते हैं। तो जैसे हमने सोइंग की, जैसे ही बीज डाला, डालते ही जो बीज है ये बड़ा इंटेलिजेंट है। बीज पहले देखता है माहौल कि कितनी नमी है, अगर वो ज़्यादा गिल्ला है तो भी बीज नहीं उगेगा, अगर नमी कम है तो भी बीज नहीं उगेगा, सूखा है तो। कब उगेगा? जब उसको सारा का सारा अच्छा माहौल मिलेगा कि उसको वहाँ पे सनलाइट है, रोशनी कितने घंटे आती है, वहाँ पे कोई हमने कोई स्प्रे तो नहीं किया हुआ, जहर तो नहीं है, अगर जहर है तो भी बीज नहीं उगेगा, अगर वहाँ पे कोई साल्ट तो नहीं है, लोनी तो नहीं है ज़मीन में, फिर भी बीज नहीं उगेगा। तो बीज तब उगता है तो सारी की सारी उसको कंडीशन प्रॉपर मिलती है, और जैसे ही बीज उगना स्टार्ट करता है तो उसमें जड़ निकलती है, तो फिर वो पानी छोड़ता है, और पानी छोड़ेगा तो उस पानी में छोटे छोटे जीवाणुओं के लिए खाना है, और जो जीवाणु उस बीज की सहायता करेंगे उनको वो बुलाता है, उनको वो अट्रैक्ट करता है, उनको सिग्नल देता है। तो वो ऐसे सूक्ष्म जीव जो पौधे की सहायता करेंगे, वो बीज उसकी जड़ की तरफ आते हैं, उनको खाने को मिलता है, बीज का जो जड़ है वो बढ़ती जाएगी और जो जीवाणु हैं उनका नंबर बढ़ता जाएगा। तो आप देखेंगे पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा, और पौधे की जड़ के साथ जो मिट्टी है उसमें जीवाणु भी बहुत ज़्यादा होंगे, और वो जो जीवाणु हैं पौधे की बहुत सहायता करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे दही बनाना है, आप देखना किताब में हम पढ़ते हैं, एक बच्ची फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की PhD करके आई है, और वो घर आके दादी जी को कह रही है, दादी जी आज मैं दही मंगाऊँ, दही बनाऊँगी या दही जमाऊँगी। तो आप देखते हैं कि वो बच्चे जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उस लेवल का दही नहीं जमा पाती जितना अपने घर में दादी, माँ, बुआ, बहन जो जमाती हैं। क्यों? कि दही को जमाना भी एक प्रोसेस है, कि दूध कितना गर्म होना चाहिए, फिर उसमें हमें खट्टा डालना है, कितना खट्टा डालना है, खट्टा या जामुन या स्टार्टर कचरा बोलते हैं, उसको डालने के बाद फिर उसके ऊपर कितने कपड़े लगाने हैं। तो उसमें सर्दियों के दिन हैं तो ज़्यादा कपड़े लगाने पड़ेंगे, गर्मियों के दिन हैं तो कम लगाने पड़ेंगे, और सर्दियों में आप देखते हो कि बड़ी देर से दही जमता है, और गर्मियों में है वो दही बड़ा जल्दी जमता है, अगर ज़्यादा रख दिया तो हमने खट्टा हो जाएगा, उसको फिर फ्रिज में रखना पड़ता है। तो सर्दियों में हम दूध या दही को फ्रिज में ना भी रखें तो भी खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे जीव हैं जो अपना काम करते हैं, और वो कब काम करते हैं? जब उनको एक तापमान मिलता है। एक तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्दी गर्मी हम सारे महसूस करते हैं, कोई भी जानवर देख लो वो उस चीज़ को महसूस करता है, सर्दी है तो उसको महसूस कर लेगा, गर्मी है तो महसूस कर लेगा। सर्दी में धूप में जाके खड़ा हो जाएगा जानवर, हो जाता है ना, कोई भी पशु है, गाय है, कुत्ता है, बैल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो छाँव में अपने आप चला जाएगा। और ऐसे ही अगर गर्मी है तो गर्मी है छाँव जाएगा, सर्दी है तो वो धूप में जाके खड़ा हो जाएगा। तो ये सिग्नल आते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझना है, और यहीं से हमारी साइंस है वो शुरू होती है। अब अपने खेतों में कितनी चिड़ियाँ हैं, चिड़िया कम हो गई, या बैल हैं हमारे खेत में, कितने पक्षी हैं, ये सारी चीज़ें हम महसूस कर लेते हैं ना। आजकल हम कह देते हैं चिड़िया कम हो रही हैं जब से हमने जहर छिड़कना स्टार्ट कर दिया, या यूरिया स्टार्ट कर दी, या पौधे आजकल कम हो रहे हैं क्योंकि हमने पौधे काट दिए। लेकिन एक छोटा जीव भी होता है जिसको हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं, उसको हम नहीं देख पाते आंखों से। जैसे कोरोना में आपने देखा कि यहाँ हाथ नहीं लगाना, वहाँ हाथ नहीं लगाना, या मास्क लगाना है, छींकना नहीं है, होता था ना कोरोना में, देखा आपने सभी ने, तो वो एक वायरस थी। ऐसे ही छोटे छोटे जीव होते हैं जो 8-10 तरह के होते हैं, जिनको हम सिर्फ मैग्नीफाइंग लेंस या माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जैसे कोई चीज़ दूर है तो हम दूरबीन से देखते हैं,
ऐसे कोई चीज इतनी छोटी होती है कि उसको हम देख नहीं पाते, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं और इनका रोल होता है, जैसे अगर किसान यूरिया ज्यादा डाल रहा है या किसान ने पेस्टिसाइड ज्यादा डाल रहा है, तो यूरिया ज्यादा डालने से ये छोटे छोटे जीव हैं ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो ये जीव क्या करते हैं, पौधे की कैसे सहायता करते हैं, पौधे को नाइट्रोजन चाहिए जो अपना यूरिया डाल रहे हैं। तो ये जब सूक्ष्म जीव वहाँ पे जड़ में होते हैं तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे वातावरण में नाइट्रोजन कितनी है, कौन बच्चा बताएगा वातावरण में नाइट्रोजन कितनी है, बताओ बच्चे कितने बता रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। अब जब 78% नाइट्रोजन है तो ये पौधों को क्यों नहीं मिल पा रही, हमें यूरिया क्यों डालनी पड़ती है? तो बच्चों जो नाइट्रोजन है वातावरण में वो आप उसके स्ट्रक्चर देखोगे, दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और तीन बीच में बॉन्ड है। तो जैसे दो मॉलिक्यूल को आपस में बांध दिया तीन डंडे लगा के, अब उनको कोई तोड़ नहीं पाता, वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है, उसको तोड़ नहीं पाते। जैसे हमारे घर में कच्ची गेहूं है, बाजरा है, उसको तो अपन नहीं खाते, या तो अपन उसको उबालेंगे या उसका आटा बनाएंगे, आटा बना के फिर उसकी चपाती बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, ब्रेड खा सकते हैं हम, चपाती खा सकते हैं, कच्ची गेहूं तो नहीं खा सकते ना, कच्चा बाजरा नहीं खा सकते, या खा सकते हैं? आप शाबाश, आप बताओ बेटा खा सकते हैं? अगर आप कच्ची गेहूं खा लें एक किलो तो क्या हाल होगा, नहीं खा सकते ना। एक बच्चा हंस रहा है कि खा सकते हैं, बेटा खा के देखना, नहीं खा सकते, वो हजम नहीं होगी आपके। कोई भी कच्चा अगर आप बीज खाते हैं उसमें इनहिबिटर्स होते हैं, वो नुकसान करता है। तो जब भी आप बीज है उसको पीस के उसका आटा बना के चपाती बना के ब्रेड बना के खाते हैं तो वो हमारे हजम होती है, साल भर आप खाते रहते हैं जिंदगी भर। तो ऐसे ही जो नाइट्रोजन है सीधे पौधे नहीं ले पाते, जब उसको नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया इनमें बदल देते हैं तो उनको पौधा ले लेता है। तो ये पौधे के लिए वो नाइट्रोजन देने का काम करते हैं छोटे छोटे जीव। अब जैसे यूरिया है, अगर आप जब फैक्ट्री में बनाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया घर हर घर में अपने दही बनता है, ऐसे जब फैक्ट्री में नाइट्रोजन बनाते हैं तो ये दो साइंटिस्ट हैबर बॉस, उन्होंने बताया था ये तरीका कि आपको यूरिया कैसे बनानी है। तो उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर और एक उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट वो हमें चाहिए, तब जाके यूरिया बनती है। और जो उत्प्रेरक है जैसे निकल है या कोई हैवी मेटल है तो वो अपने वातावरण को भी प्रदूषित करती है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यूरिया की। और जब यूरिया को आप खेत में डाल देते हैं तो ये छोटे छोटे जीव ये काम करना बंद कर देते हैं। तो एक तो हमने पैसा लगाया, आपकी जमीन खराब करी, हमारा वातावरण खराब किया, और इस बार हमने एक कट्टा डाला, फिर दो डाले, फिर तीन डाले, फिर चार डाले, अब पांच तक भी डालने लगे। तो कब तक आप डालते जाएंगे? तो हमें वातावरण को शुद्ध करना है तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ आना पड़ेगा। जब आप प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो हम सारे के सारे नेचुरल प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्राकृतिक तरीके से हम कोई काम करते हैं। कुदरत में सब कुछ है, कोई भी चीज कंट्रोल करनी है, कोई बीमारी कंट्रोल करनी है या पौधे को कोई न्यूट्रिशन देना है, खाद देनी है, तो हमारे पास तरीके हैं। जैसे पहले हम हरी मिर्च है, प्याज है, लहसुन है, इनकी चटनी बनाते थे और इनके साथ खाना खा लेते थे। तो जब आप चटनी खाते हो तो उसमें ये ऐसे ऐसे सब्सटेंस हैं, हरी मिर्च है इसके अंदर कैप्साइसिन होता है, जो प्याज है लहसुन है इसके अंदर एलिसिन होता है, ये ऐसे कंपाउंड है, ऐसे पदार्थ हैं जो रोगाणुओं को मारते हैं। तो जब हमारे पास ऐसे पदार्थ ऑलरेडी हैं तो हमें जहर छिड़कने की क्या जरूरत है, हम इन्हें से सॉल्यूशन बनाएं। जैसे हरी मिर्च है, ये अपना नीम है, प्याज है, लहसुन है, तो ये सारे के सारे तरीके हैं, ऐसे आप सॉल्यूशन किसान अपने खेत में बना सकता है, उनको जब छिड़कता है तो बीमारियां वो सारी रुक जाती हैं। जब ये हम हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं इनको पनपने का मौका देते हैं तो इनका जब नंबर बढ़ जाता है तो ये भी पौधे की सहायता करते हैं। अब आप ये देखो छोटे बच्चे हैं कि पौधा जो होता है उसको पानी कितना चाहिए, पानी बहुत कम चाहिए। कई बार हम कह देते हैं कि भाई पानी नहीं है, पौधे को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, पौधे को तो वाष्प चाहिए। आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना, छोटे छोटे दो गमले ले लेना, ये दोनों एक ही साइज के हैं, दोनों में एक ही जैसी मिट्टी है, दोनों में एक ही जैसा हमें बीज डालना है और बस पानी का अंतर रखना है। एक को तो आप सिर्फ ऊपर की लेयर है वो गिल्ली करनी है डेली, और दूसरा जो गमला है उसको डेली पानी से भर देना है सुबह शाम। तो देखना जिसमें हम सुबह शाम पूरा पानी डाल रहे हैं बहुत ज्यादा, उस पौधे की ग्रोथ उसकी यील्ड कितनी आ रही है, वो कितना बढ़ता है, और जिसमें हमने सिर्फ सुबह शाम गिल्ला किया है ऊपर की लेयर है वो देखना।
तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना। हम किसानों को भी ये कहते हैं, किसान अपने खेती का मास्टर होता है, किसान से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखते हो। तो ये जो पानी है, पानी हमारे को इतना ही चाहिए। अब जैसे आप फ्लड इरिगेशन करते हैं, पानी खुला छोड़ देते हैं, अब आधे घंटे या एक घंटे एक एकड़ में चलाना चाहिए, हम चार चार घंटे छह छह घंटे चला देते हैं पानी। उससे क्या होता है कि एक हार्ड लेयर बन जाती है। अब मिट्टी आप देखो, मिट्टी ये तो खजाना है पोषक तत्वों का, तो इसकी जड़ कहाँ तक जाती है? पौधे की, जब पौधे की जड़ जाती है 30 सेंटीमीटर तक, और उससे नीचे भी पोषक तत्व हैं। जब आप पानी बहुत ज्यादा लगा देते हैं तो 30 सेंटीमीटर के बाद जड़ों के नीचे एक पूरी लेयर बन जाती है बहुत हार्ड, जिससे क्या होता है ऊपर का हिस्सा ऊपर और बीच में हार्ड लेयर है और उसके नीचे है तो मिट्टी, उनका कनेक्शन कट जाता है। तो जब भी हमने केमिकल ज्यादा डाल दिए, पेस्टिसाइड ज्यादा डाल दिए, तो एक तो केंचुए मार दिए हमने। केंचुआ क्या करता है? केंचुआ सबसे अच्छा मित्र है। देखो केंचुआ 5 से 7 फीट नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, दूसरे छेद से ऊपर आएगा, तो वो मिट्टी के अंदर छेद कर देता है। और उसमें जब ये अपना इसका एक्सक्रीटा होता है तो इसका वेस्ट जो होता है वो बैक्टीरिया को खाने के लिए मिलता है। तो बैक्टीरिया या छोटे जीव हैं उनका भी नंबर बढ़ता है और जो केंचुआ है उसका भी नंबर बढ़ता है, और वो पौधे की सहायता कर रहा है। तो जितना गला सला मटेरियल है उसको खाद में जब बदलने का काम करता है वो केंचुआ करता है। तो ये जो छोटे छोटे जीव हैं मिट्टी में होंगे तो हमारी मिट्टी जिंदा है, अगर ये जीव नहीं है मिट्टी में तो हमारी मिट्टी है वो मृत है, और जितनी एक्टिविटी होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। एक्टिविटी क्या होंगी? जैसे मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है, पौधे को कैसे मिलेंगे? कोई भी पोषक तत्व है वो चक्र में चलता है। पोषक तत्वों का पूरा बायो जियो केमिकल साइकिलिंग है, पूरा चक्र है। जैसे आप पानी, पानी का चक्र देखोगे, जोड़ में पानी है, धूप पड़ी, फिर उसके वाष्प बन गए, फिर बादल बने, फिर बरसात आई, बरसात से पानी मिट्टी यहाँ आया, पौधों ने लिया पानी, एनिमल्स में गया, और फिर जब एनिमल्स की डेथ होगी या पौधे मर गए, फिर वो पानी दोबारा वातावरण में आ गया। तो पानी ऐसे घूमता है, ऐसे ही नाइट्रोजन है, कार्बन है, 16 तत्व हैं। तो वो सारे के सारे तत्व कब घूमते हैं? जब प्राकृतिक तरीके से हम उनको मौका देते हैं। और मौका कब देते हैं? जब ये जीव हैं, जब इनको पूरा पनपने का मौका देंगे, उनको मल्टीप्लाई करने का मौका देंगे। तो जैसे पानी, अगर किसान ध्यान से अगर 4 पानी लगा रहा है, अगर वो 2 पानी लगाता है तो वो खुद करके देख सकता है, एक एकड़ में एक कनाल में जिसमें पानी उसने ज्यादा लगाया, बाकी में उसने पानी है वो कम लगाया, वो अपना करके देख सकता है। ऐसे ही मल्चिंग है। मल्चिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज है जब आप ढक्के रखते हैं। अब मई जून के महीने में अपने यहाँ तापमान 48-49 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब ये है कि कार्बन है वो जीवों में है, पौधे में है या छोटे छोटे जीवों में है, तो ऑर्गेनिक कार्बन है। ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होगा तो हमारी फसल है वो अच्छी होगी। तो हम क्या करते हैं, बांध करके छोड़ देते हैं उसको, और जितने उसके अंदर जीव हैं वो सारे लोग इस वजह से मर जाते हैं। जब जीव मर जाएंगे तो हमारी मिट्टी है वो मृत हो गई। जीव मरे क्यों? क्योंकि जब आप प्लोइंग करते हैं, जब आप ट्रैक्टर चलाते हैं दबके, तो नीचे वाले जीव हैं वो ऊपर आ जाते हैं लेयर, और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे चले जाते हैं। अब आप ये देखो कि भगवान ने उनको ताकत दी है, इस तरह के जीव हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो ऊपर के लेयर पे आपको मिलेंगे, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो नीचे के लेयर पे मिलेंगे। अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आए तो वो मर जाएंगे। तो नीचे वाले जीव जब ऊपर आए उनकी डेथ हो गई, ऊपर वाले जब नीचे गए तो वहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत हो गई। तो जितने जीव हैं उनको हमने मार दिया। अब इसका मतलब यह कि ज्यादा प्लोइंग की, ज्यादा गहराई से जुताई करने की हमें जरूरत नहीं है। आप इतनी जुताई करें जितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब मल्चिंग है, मई के महीने में अगर आपने जमीन को छोड़ दिया खाली, उसमें अगर घास है तो उसके बाद अगर आप जीरी लगाएंगे, आप गेहूं लगाएंगे तो बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो घास है, घास की जड़ों के साथ छोटे छोटे जीवाणु हैं, और वो जीवाणु वहां पे बने रहेंगे, उनका नंबर बढ़ता रहेगा। जैसे आप जीरी लगाओगे तो वो पौधे की सहायता करेंगे, उसके बाद आप जब गेहूं लगाओगे उसकी सहायता करेंगे। तो ये जब मई जून के महीने में हमने मल्चिंग की, तो मल्चिंग दोनों तरह से कर सकते हैं, डेड मल्चिंग भी हो सकती है, लाइव भी। तो डेड कैसे? कि हमारे जैसे पराली ज्यादा होती है, अगर आप पराली को काट के खेत में छिड़क दें, या जो गेहूं का भूसा है वैसे तो आप पशुओं के लिए यूज कर लेते हैं, अगर अपने पास फालतू है तो वो खेत में छोड़ दें तो उससे मल्चिंग होगी, या घास कड़ा है पानी लगा के हमने छोड़ दिया, या फिर आजकल एक कॉन्सेप्ट हो रहा है कि 8-9 तरह के बीज आपको मिलाने हैं, जैसे जिसमें गेहूं है, बाजरा है, जो चीज गर्मी में हो सकती है, मूंग है, और जितनी भी चीजें हो सकती हैं उनके थोड़ा थोड़ा बीज मिला के एक एकड़ में आपको छिड़क देना है या फिर पानी लगा के छोड़ देना है। तो वो अगर ज्यादा बढ़ जाता है उसको चारे के रूप में इस्तेमाल कर लो, अगर ज्यादा नहीं बढ़ता है तो उसको आपने उसी के अंदर मिला देना है, जैसे आप ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं।
तो उसमें देखेंगे कि हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति है, उसकी जो ताकत है वो बहुत बनती है, और आने वाले टाइम में पैदावार है वो बढ़ती चली जाती है। जब आप पेस्टिसाइड डाल देते हैं, पेस्टिसाइड क्या है, एक जहर है। अब जहर तो मारता है जीव को, जैसे हमारे पशुओं को, पक्षियों को, एनिमल्स को नुकसान करता है, ऐसे ही जो छोटे छोटे जीव हैं उनको भी ये नुकसान करता है। तो आप देखते हैं जब भी कुदरत के अंदर कोई भी चीज है ज्यादा होती है उसका कंट्रोल हो जाता है, कोई चीज है अगर कम है उसको मौका मिलेगा तो वो बढ़ेगी, कोई पशु है अगर बीमार हुआ तो वो खाना बंद करता है सबसे पहले, करता है नहीं करता है बच्चों? अगर जैसे अपने घर में कोई पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, अगर वो बीमार हुई तो सबसे पहले क्या करता है, वो खाना बंद करता है, और उसके आगे आप कुछ भी डाल दो वो कुछ नहीं खाएगा। जब वो खाना बंद कर देता है तो उसकी अपनी जो क्रियाएं शरीर की वो काम करती हैं, और जो बाहर से कोई पैथोजन या कीटाणु आया हुआ है उसको कंट्रोल करती हैं। जैसे उसको कंट्रोल करेंगी पशु ठीक हुआ, उसने खाना शुरू कर दिया। तो आप ये देखो कुदरत के अंदर ये नियम है। अब हमारी रिसर्च में ये पाया गया है कि जो आदमी हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में एक दो बार भूखा रहता है उसको कैंसर होने के चांस नहीं है। उसमें क्या होता है, ऑटोफेजी होती है कि कोई ऐसी कोशिका है हमारे शरीर के अंदर जिसमें कैंसर हो सकती है, उसको शरीर अपने आप ही कंट्रोल कर लेता है। तो पशु है देखो नेचुरल कंडीशन क्रिएट करता है। आज आप किसी बुजुर्ग से पूछो कि चाचा ताऊ कि आपकी हेल्थ कैसी है, तो वो कहेंगे कि हेल्थ तो ठीक नहीं है, ठीक सा नहीं लग रहा। कहेंगे क्या बात, बीमार हो गया? बोला नहीं, डॉक्टर के पास भी गए थे तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट भी कर लिए, मलेरिया भी कर लिए, बुखार जुकाम का भी कर लिया, और हार्ट का भी कर लिया, एलर्जी का भी, कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर बोले फिर भी यार जैसा लग रहा है यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उनके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है। अब बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं पौधों से। पौधे कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से। अब वो मिट्टी में रहे नहीं, क्यों नहीं रहे? जब आप केमिकल डालते रहते हैं तो मिट्टी की जो पीएच है वो बढ़ जाती है। पीएच का मतलब क्या है कि कोई चीज कितनी खट्टी है या कोई चीज कितनी कड़वी है। जैसे ये पानी है, पानी का टेस्ट कैसा होता है बच्चों? पानी का टेस्ट कैसा होता है कौन बताएगा? अगर आप शुद्ध पानी हो, अपना प्योर वाटर हो, उसका टेस्ट कैसा होता है? ये जो पानी है बच्चे, ये अगर प्योर है बिल्कुल, तो जैसे अगर हमने आरओ का पानी लिया है, बिल्कुल प्योर वाटर है, तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन सब्सटेंस है, पानी है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। इसका टेस्ट कब होता है? जब इसके अंदर साल्ट होते हैं, इसके अंदर आपने चीनी घोल दी, मीठा हो जाएगा, नमक घोल दिया तो नमकीन हो जाएगा। तो इसकी पीएच है वो 7 होती है। इससे अगर थोड़ी सी पीएच कम होगी वो चीज खट्टी होगी। जैसे अपने एसिड होते हैं, दूध है अगर फट गया, दही है उसको हमने रख दिया ज्यादा खट्टा हुआ, या अगर इसकी जो पीएच है थोड़ी सी बढ़ी तो वो चीज कड़वी हो जाएगी। तो कोई भी जो पैमाना है कड़वा या खट्टा बताने का उसको हम पीएच बोलते हैं। और जो धरती है अपनी, इसकी जो पीएच है बढ़ जाती है हल्की सी जब आप केमिकल डालते हैं। अब भगवान ने दोनों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे आदमी का देखो और पौधे का देखो, ये अलग अलग बनाया है। पौधे में अगर वहां पे कंडीशन हल्की सी एसिडिक है, पीएच अगर 7 से कम है तो पौधा को सबसे ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। अगर पीएच हल्की सी ज्यादा है तो हमारे लिए वो ठीक होती है, हमारे शरीर में अगर एसिडिटी होती है आप कहते हैं यार मेरा हाजमा खराब हुआ। तो ये जो पौधे का जो हाजमे का सिस्टम है वो एसिडिक कंडीशन में बढ़िया है, हमारे जो हाजमे का सिस्टम है वो थोड़ी सी न्यूट्रल से ज्यादा पीएच होती है तो हमारा हाजमा अच्छा होता है। एक चीज और नोट करना आप, जैसे जो पौधों में कोई बीमारी है और आप खेत में काम कर रहे हो वो बीमारी आपको नहीं लगेगी, ऐसे ही अगर आपको कोई बीमारी है, किसान को कोई बीमारी है, उसको चमड़ी की बीमारी है या कुछ भी है, वो बीमारी पौधे को नहीं लगेगी। तो भगवान ने ये बैरियर बनाया हुआ है कि जो पौधे को बीमारी है वो आदमी को नहीं लगेगी, आदमी को जो बीमारी है वो पौधे को नहीं लगेगी। कई बार आप कहते हैं ना हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, हमें मांस मीट नहीं खाना चाहिए, मांस मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? बच्चा बताओ हाथ खड़े करो, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए, कितने खड़े बच्चे कहते हैं हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। अब ये बताओ नहीं खाना चाहिए, वो हाथ खड़े करो, ये देखो। तो हमें कभी भी किसी का विरोध नहीं करना, उसके पीछे साइंस क्या है वो देखनी है। अब मांस मीट में जो प्रोटीन है वही प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर है, तो हमारे शरीर को चाहिए अगर हमने मांस मीट खाया तो वो प्रोटीन हमारे शरीर को मिले और हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमें खाने चाहिए। लेकिन अगर उस प्रोटीन या उस मांस मीट के अंदर कोई बीमारी है, वो ऐसे प्रोटीन है वहां पे वो बीमारी है, और वही बीमारी है वो हमारे शरीर को बड़ी जल्दी पकड़ेगी।
अगर उसमें टिब्बी है तो वो टिब्बी अगर हमने वो मांस खा लिया तो वो बीमारी इजिली हमें हो जाएगी, तो इसका मतलब हमें नहीं खानी चाहिए। तो हमें किसी चीज का विरोध नहीं करना, खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, हमें उसके पीछे साइंस क्या है वो समझनी है। तो अगर आप खा रहे हो तो ऐसी जगह से होना चाहिए जो बहुत साफ सुथरा है, कोई चांसेस नहीं है बीमारी होने के, कहां से ये लिया गया है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार हम कह देते हैं हमें आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। कितने बच्चे कहते हैं हमें आरओ का पानी पीना चाहिए, आप खड़े करो। ये बच्चे कहते हैं आरओ का पानी पीना चाहिए। कितने बच्चे कहते हैं आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, आप खड़े करो। कई बच्चे ऐसे हैं ना तो नहीं में आप खड़ा कर रहे और ना हाँ में खड़ा कर रहे, तो उनका तो फिर कोई है ही नहीं, बताना तो पड़ेगा ना आपको। आपको पानी पीना है, आपके सामने एक आरओ का पानी है, एक दूसरा पानी है, तो आप कौन सा पानी पियोगे? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आरओ वाला, कुछ कहेंगे कि बिना आरओ वाला, कहेंगे ना या नहीं कहेंगे? तो हमें बच्चों आरओ का पानी पीना चाहिए तो क्यों पीना चाहिए, और नहीं पीना चाहिए तो क्यों नहीं पीना चाहिए, इसके पीछे हमें साइंस देखनी है। अब आप ये देखो, जब आप पानी पीते हैं, ये कोई टैप अपने टूंटी का पानी है, नहर का पानी है, हम यहाँ पानी लेके आ गए। अब इसके अंदर क्या है, कौन से साल्ट हैं, कौन से नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। हो सकता है कोई हैवी मेटल हो जो आने वाले टाइम में हमारे गुर्दे को खराब कर देगी, या हो सकता है इसके अंदर कोई पैथोजन हो जो हमें बीमारी हो सकती है, या इसके अंदर कोई ऐसा साल्ट हो जो हमारा हाजमा खराब कर दे। कई बार क्या होता है कि टेस्ट से हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन उसके अंदर वो चीज है। और आरओ का पानी पी रहे हैं तो हमें बड़ा शुद्ध पानी है, हमें पानी मिल रहा है, लेकिन जब आरओ का पानी पी रहे हैं तो हमारे शरीर को कोई मिनरल तो मिल ही नहीं रहा। इस पानी के अंदर मिनरल होते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, तो ये चीजें हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन आरओ का पानी है तो उसमें तो ये चीजें हैं ही नहीं, तो वो हमें कहां से मिले? वो हमें मिलती हैं फल फ्रूट और सब्जियों से। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने आरओ लगा लिया तो आपको सुबह शाम सब्जी भी खानी है, आपको फल फ्रूट भी खाने हैं, ताकि आपके जो आयन है शरीर में, जो कमी है उनकी पूर्ति हो जाए। तो इस तरह से बच्चों छोटी छोटी चीजें हैं, उनके पीछे आपको साइंस देखनी है, और साइंस से ही शुरुआत होती है। अगर आप साइंस उसके पीछे की देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अब आप ये देखो, बच्चे कई हैं जो मैथ से डरते हैं। कितने बच्चे हैं जिनको मैथ अच्छा लगता है? वेरी गुड। आप कितने बच्चे हैं जिनको मैथ अच्छा नहीं लगता? ये देखो, तो अब हमें ये नहीं सोचना कि इसको मैथ अच्छा लगता है या नहीं लगता है, हमें उसका कारण देखना है। अगर आपको मैथ अच्छा नहीं लगता, आप दूसरे सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैथ में इतने मार्क्स तो चाहिए कि हमें एटलीस्ट पास हो जाएं। अगर आप पास ही नहीं हुए तो अपनी डिग्री नहीं होगी। तो मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो मैथ है। मैथ में क्या है कि दोनों तरफ आपको क्वांटिटी बराबर करनी है। अब 20 बराबर है 10 जमा 10, 20 बराबर है 15 जमा 5, 20 बराबर है 40 बटे 2, 20 बराबर है 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, है ना? तो दोनों तरफ अगर आप क्वांटिटी बराबर कर देते हो तो मैथ में आप गलत हो ही नहीं सकते। ऐसे ही फिजिक्स में है, फिजिक्स में आप देखेंगे कि दोनों तरफ यूनिट बराबर कर दो। अब जैसे डिस्टेंस इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और उधर डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या है? मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम क्या है? सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो दोनों तरफ अगर आप यूनिट बराबर कर देते हो तो आप फिजिक्स में कभी मार नहीं खाओगे। ऐसे ही बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर अगर आप उस चीज को समझते हैं, उसको आप कंपेयर करते हैं, जैसे एक कोशिका है, एक सेल है, क्या है सेल? कौन बच्चा बताएगा सेल क्या है? व्हाट इज सेल या कोशिका क्या है? जैसे ये मकान है ना, ईंटों से बना हुआ है, हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है। मकान की जो बेसिक यूनिट है वो ईंट है, ईंट को जोड़ के हमने कोई तरह का मकान बना दिए। ऐसे ही कोशिकाएं मिला के जीव बनते हैं। ये पौधे हैं, इनमें भी कोशिकाएं हैं, एनिमल्स हैं, इनमें भी कोशिकाएं हैं, वायरस है वह भी एक कोशिका है, और जो एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, उनकी भी अपनी कोशिकाएं हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी अलग है, जैसे हर मकान दूसरे मकान से अलग है। तो एक कोशिका को आपको एक मकान की तरह देखना है। मकान के अंदर अपने बाथरूम भी है, मकान के अंदर ड्राइंग रूम भी है, किचन भी है, सब कुछ है ना। ऐसे ही कोशिका के अंदर भी है, कोशिका के अंदर पावर हाउस है या किचन है। किचन ऑफ दी सेल इज किसको बोलते हैं हम? पावर हाउस सेल का कौन बच्चा बताएगा किसको बोलते हैं बेटा? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने उसको उसके साथ कंपेयर कर लिया, कोई भी चीज है उसको आपके उसके साथ कंपेयर करना है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग है जिसमें हम पढ़ते हैं, उसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो जीवों को अगर आप देखोगे, मिट्टी के अंदर कितने तरह के जीव हैं जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो वो हमारी सोसाइटी की तरह ही है।
जैसे हमारी सोसाइटी में डॉक्टर हैं, हमारी सोसाइटी में टीचर हैं, हमारी सोसाइटी में ड्राइवर हैं, हमारी सोसाइटी में वकील हैं, सारे हैं। अगर आप एक ग्रुप को निकालते हैं तो क्या अपनी सोसाइटी चलेगी? कभी नहीं। अगर अपनी सोसाइटी में डॉक्टर नहीं हो तो इलाज नहीं होगा, तो हमारा कैसे काम चलेगा? अगर हमारी सोसाइटी में एडवोकेट नहीं है, वकील नहीं है, तो हम लड़ेंगे झगड़े तो कौन निपटाएगा? अगर हमारी सोसाइटी में साइंटिस्ट नहीं है तो रिसर्च कौन करेगा? हमें सारे चाहिए। ऐसे ही ये जो सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी के अंदर, ये हर तरह के होते हैं, और ये कम कब होते हैं? जब हमने पेस्टिसाइड डाले, जब हमने केमिकल डाले। अब आप ये देखो कि कोई भी पशु जब बीमार होगा तो वो फिर अपने सिम्टम दिखाएगा, उसने खाना बंद किया, इसके अलावा वो सिग्नल देता है, वो आवाज निकालता है, या कोई आदमी खतरे में है तो उसकी आवाज अलग तरह की होती है, जब वो ठीक है तो उसकी आवाज अलग तरह की होती है, जब हम भय में होते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो अलग तरह से होता है। जब दस्त लगता है, दस्त लगने के 50 कारण है, जब बुखार होती है तो भी दस्त लगते हैं, जब कोई बच्चा डरा हुआ आता है हो सकता है उसको दस्त लग जाए, अगर उसने कोई इधर उधर की चीज खा ली हो सकता है कि उसको दस्त लग जाए, ऐसा पानी पी लिया हो सकता है, तो एक कारण नहीं होता, उसके पीछे साइंस क्या है वो हमें देखनी है। एक बुजुर्ग को आंख में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गया, जी मेरी तो आंख खराब हो रही है, डॉक्टर ने दवाई डालने की दे दी लेकिन फिर भी आंख ठीक नहीं हुई, गोली दे दी, जितनी देर वो गोली का असर रहे दर्द ठीक रहे, उसके बाद फिर दोबारा, तो फिर बाद में किसी सियाने डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा कि ताऊ आपके तो बीपी हाई रहता है और हाई बीपी की वजह से वो नस है वो दब जाती है और आपको दर्द होता है, उसको बीपी की गोली दी, उसकी आंख का दर्द ठीक हो गया। तो उसका जो रूट कॉज क्या है, उसके पीछे कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको हमें देखना है। अगर आप वो चीज देख लेते हैं तो फिर उसका समाधान है ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई मैं तो सर रट्टे नहीं लगा सकता। अगर आप रट्टे लगा सकते हो तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 13 का पहाड़ा आपको सुनाना है, आपने 13 का रट्टा लगाया हुआ, 13 13 13 13 26 13 39, वो जल्दी काम हो जाता है। लेकिन अगर आप रट्टा नहीं लगा सकते तो उसको पीछे उसको समझो, पहाड़ा क्या है बेसिकली, पहाड़े में आप जोड़ते चले जाते हैं, 13 फिर जमा 13 फिर जमा 13, आप जोड़ते चले जाओ, आपके पास टाइम है, और आप ये रट्टा नहीं लगा रखा आपने पहाड़े का, तो आप उस हिसाब से कर लो, 13 7 ये कहने में 13 को 7 बार आप जोड़ दो वही कहने में बनेगा। तो अगर आप ये टेक्टिस सीख लेते हैं बच्चों, तो चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सोशोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं है लेकिन आप उसमें आराम से 50-60% मार्क्स है वो ले सकते हैं। ऐसे आपको टारगेट करना है। अब हर बच्चे का अपना एक फोकस होता है, हर बच्चे में अपनी अपनी कोई ना कोई क्वालिटी है। अगर बच्चों में मैं इन सब से एक लिस्ट बनाऊं कि बच्चे आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, तो आप देखोगे सबका अलग अलग मिलेगा। किसी को खीर अच्छी लगती है, किसी को पनीर अच्छा लगता है, किसी को पिज्जा अच्छा लगता है, किसी को डोनट अच्छा लगता है, किसी को कुछ, सबकी अलग अलग चॉइसेज है ना। ऐसे ही कैरियर में होती हैं। एक बच्चे को वो काम बहुत आसान लगता है, दूसरा बच्चा है वो सोचता है नहीं यार मुझे ये तो बहुत टफ लगता है, मैं दूसरा काम कर लूंगा। तो पहले तो आपको अपना जो स्किल है वो पहचानना है कि मेरा कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप उसमें बेस्ट बने। दूसरा, अगर वो बच्चा, एक बच्चे ने मेडिकल ले ली, दूसरा कहता है इसने मेडिकल लिया मैं भी मेडिकल लूंगा, नहीं, हो सकता है आपका मैथ अच्छा है, उस बच्चे का मैथ अच्छा नहीं था, बायो अच्छी थी, उसने बायोलॉजी ली, आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ लो। तो अपना जो सब्जेक्ट है अपने आपको पहचानना है पहले तो, कि किस सब्जेक्ट में मैं अच्छा कर सकता हूँ। अगर आप उसमें आप अच्छा करते हो तो फिर आप उसमें बेस्ट बनेंगे, और उसी की वैल्यू होती है। भीड़ में लाइन में आप लास्ट में खड़े हो, आपका सब्जेक्ट टॉप का है, उसका कोई फायदा नहीं है। आपका सब्जेक्ट एक नॉर्मल है लेकिन आप अपने सब्जेक्ट में टॉपर हैं तो आप बहुत ज्यादा जल्दी कामयाब होंगे। प्रोफेसर होते हैं इतने सारे सब्जेक्टों के, हमारी तनख्वाह सबके बराबर है लेकिन किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी का मैथ में है, किसी का साइंस में है, किसी का इकोनॉमिक्स में है। तो बच्चों अपने आप को पहले देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। मैं इंटरेस्ट किस में होता है, जिसमें बच्चा ज्यादा टाइम लगाता है, जिस चीज के बारे में बच्चा ज्यादा टाइम लगाएगा उसी में वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। अब आप यहाँ गोरखपुर में रहते हो तो आपको गोरखपुर का पूरा नॉलेज है, मैं तो कभी कभार आता हूँ मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आप मेरे गाँव का पूछोगे मैं मेरे गाँव का बता दूंगा, एक अमेरिका वाले से पूछोगे वो अपने बारे में बता देगा। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम वहीं लगा रहा है। आप जहां जितना टाइम लगाते हो आपको मैक्सिमम सफलता वहां मिलती है, क्योंकि वहां पे आपका तजर्बा होता है। तो पढ़ाई को आपको उसी हिसाब से देखना है, खेल खेल में सीख जाते हैं। अब 7 रंगों के नाम है, बैंगनी आसमानी नीला हरा पीला नारंगी लाल, अब मुझे सोचना ही नहीं पड़ा क्योंकि मैंने रट रखा है। तो आप रट नहीं सकते, आप विपग्योर लिखोगे, VIBGYOR लिखोगे ना, उसमें ये वॉयलेट है या इंडिगो है, तो आप ऐसे लिखोगे। तो पढ़ने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। एक बच्चा रात को पढ़ के सोता है उसको याद रहता है, अपना काम कंप्लीट करके सोता है।
एक बच्चा कहता है कि मैं तो सर सुबह पढ़ता हूँ। अब देखो, अगर आप रात को अपना काम कंप्लीट करके सोते हैं, सारी रात आपकी है, आपने 10 बजे तक काम किया, काम कंप्लीट नहीं हुआ 11 बजे तक कर लो, आप कंप्लीट करके सोओगे। लेकिन आप रात को सो गए और सुबह उठे लाइट नहीं है, या बाई चांस चाय नहीं मिली, या कोई और दिक्कत हो गई, या जाग नहीं आई, तो आप हो सकता है उस सिलेबस को, उस वाले दिन के सिलेबस को आप कर ही ना पाए। लेकिन रात को आप अपना कंप्लीट करके सोते हैं तो डेली का काम डेली हो जाता है। आपको सबको ये सोचना है कि डेली रात को सोने से पहले एक बार मैं जरूर देखूं कि आज दिन में मैंने कितना पढ़ा। अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो क्या मैं टॉप कर पाऊंगा, अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। डेली बच्चों सोने से पहले एक बार सोचना है कि आज मैंने दिन में पूरे दिन में कितनी पढ़ाई की। अगर मैं डेली ऐसे ही करता रहा साल भर तो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, आपको अपने आप ही एहसास हो जाएगा, अपने आप ही आप अपने असेसमेंट कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितना अच्छा कर पा रहा हूँ। दूसरा, टीचर्स हमारे जितने भी टीचर्स हैं आपको सबकी हेल्प लेनी चाहिए। कोई मैथ का टीचर है अगर आपको नहीं भी पढ़ाता और आपके मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनके पास जाएं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आपको बड़ी खुशी से समझाएगा। ऐसे इंग्लिश का टीचर है आपको पढ़ा भी नहीं रहा, दूसरी क्लास को पढ़ाता है, आप उनके पास जाएं और उनसे पूछें, वो आपकी हेल्प करेगा। आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे शेयर करें कि आज मैंने दिन में ये चीज़ पढ़ी और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। अपने जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके तजर्बे बहुत हैं, जब वो अपने तजर्बे से आपको बताएगा तो वो चीज़ इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो बच्चों उस चीज़ को आपको कोरिलेट करना है प्रैक्टिकली, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली सोचना है। डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें, एक बच्चे को मोबाइल के बारे में आप कितना ही पढ़ा दो, चाहे हो सकता है उसको बड़ा टफ लगे, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल दे दो थोड़े दिन में आप देखेंगे वो पूरा एक्सपर्ट हो रहा है। एक्सपर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो उन चीज़ों को कर रहा है। उसी हिसाब से आपका जो कैरियर है आपने देखना है। एक बच्चे ने कहा कि आप में से डीसी कौन बनना चाहेगा, डिप्टी कमिश्नर, बच्चों आप में से एसपी कौन बनना चाहेगा, टीचर कौन बनना चाहेगा, हाथ खड़े करो शाबाश, आप में से टीचर कौन बनना चाहता है, नहीं बनना चाहते, आप में से देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहता है, नहीं, आप में से डॉक्टर कौन बनना चाहता है, वेरी गुड, आप में से इंजीनियर कौन बनना चाहता है, गुड, आप में से वकील कौन बनना चाहता है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा पूछने का मतलब ये है, प्रोफेशन भाई, आप सोचते हैं कि भाई मुझे ये बनना है। एक बच्चे को मैंने पूछा कि बच्चे आप क्या बनना चाहोगे, बोले देश का प्रधानमंत्री, सारे बच्चे हंसने लग गए। लेकिन आप ये देखो कि उस बच्चे ने हिम्मत की, उस बच्चे ने अपना मन बनाया हुआ है भाई मुझे ये बनना है, वो बनेगा एक दिन। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं या जितने महानुभाव हैं, महापुरुष हैं, आप उनका बैकग्राउंड देखना, वो बहुत सिंपल सादे घरों से आए हैं। उनकी आप जीवनी पढ़ना कभी, कि वो पहले बहुत सिंपल थे लेकिन उन्होंने मन में ठानी थी कि मुझे ये बनना है। अब एक बच्चा अगर सोचता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा तो वो इंजीनियरिंग उसको पता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, ये चीज़ें करनी है, अभी से वो काम करेगा, अपनी पढ़ाई है उसी हिसाब से करेगा तो वो एक दिन इंजीनियर बनेगा। और जिसने जिक्र भी नहीं किया, फिक्र भी नहीं किया, तो हो सकता है कि वो उसको भी इंजीनियर बनना हो लेकिन लास्ट में इवन वो इंजीनियर बन भी जाएगा तब भी वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बच्चे जिस बच्चे ने पहले सोची है वो उसी हिसाब से तैयारी करता है। अपने आप को तैयार करना बहुत बड़ी बात होती है। अपने गांव के जो बच्चे हैं मोर देन 80% बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन किसकी वजह से, वो लापरवाही की वजह से। और शहर में तो माँ बाप बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ ले सारा दिन। अब गांव में बेचारे माँ बाप हैं, वो खेत में चले गए खेत में काम करने, और बच्चा है वो घर में अपना आराम से पता नहीं पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। उसमें दिमाग तो है लेकिन वो उस हिसाब की मेहनत नहीं कर रहा। और जब तक आप मेहनत नहीं करते, जब तक आप कोई चीज़ों को बार बार लिख के नहीं देखते, जब तक आप समझते नहीं, तो उसमें आप कामयाब नहीं होते। तो यही तो बात है कि शहर का एवरेज बच्चा होता है वो भी अच्छा कर जाता है और गाँव का इंटेलिजेंट बच्चा है वो भी रह जाता है। कितने बच्चे हैं जो आप देखते हैं गाँव से निकलते हैं और कितने बच्चे हैं जो शहर से निकलते हैं। तो जो सिंसियरिटी है, अपना काम डेली का डेली करना, होमवर्क डेली करना, अपने टीचर से डिस्कस करना, अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से डिस्कस करना, ये भी बहुत रोल प्ले करती है। छोटी छोटी चीज़ों को हमें देखना है। अब आप ये देखो, अपने खाने में अगर नमक ना हो तो खाना हमें अच्छा लगेगा अच्छा, और अगर ज़्यादा नमक हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसकी हमें इतनी क्वांटिटी डालनी है कि वो हमारा जो खाने का टेस्ट है वो अच्छा हो जाए। अगर खाने का टेस्ट अच्छा है तो हम खाना खाएंगे,
अगर नमक ज्यादा है तो भी हम नहीं खा रहे और नमक कम है तो भी हम नहीं खा रहे, तो वो छोटे छोटे जो पोषक तत्व है वो सारे के सारे कहां से आ रहे हैं? वो मिट्टी से आ रहे हैं। अब पौधे को वो मिले नहीं, हमारे शरीर में उनकी कमी होनी स्टार्ट हो गई, तो उसको कैसे ठीक करेंगे आप? उसको हम ठीक करेंगे दोबारा प्राकृतिक तरीके से। ऐसे ही जो बच्चा शाम को टाइमली सो जाता है, सुबह टाइम पे उसको अपने आप जाग आ जाती है। जो बच्चा टीवी पे मोबाइल पे कम टाइम देता है, आप देखना उसकी याददाश्त अच्छी होती है। जो बच्चा सारा दिन लगा रहता है अपने आप को मोबाइल पे हैंग रखता है, कितना इंटेलिजेंट हो जी, आप देखना उसकी तबीयत, उसके जो दिमाग है उस पर असर पड़ता है, उसका दिमाग है उसकी याददाश्त है वो कम हो जाएगी। और जो बच्चा मोबाइल से इन बीमारियों से दूर रहता है आप देखना वो अच्छा कर पाएगा। ये छोटे छोटे डेली के काम एक 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 करके, और ये अल्टीमेटली बच्चे का इतना नॉलेज हो जाता है कि वो किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर जाता है। और उधर से बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सोचता है आज नहीं कल पढ़ लूंगा, कल नहीं परसों पढ़ लूंगा, फिर नेक्स्ट डे पढ़ लूंगा, करते करते टाइम ऐसे निकल जाता है और उसके मार्क्स हैं वो बहुत कम आते हैं। दूसरा आस्पेक्ट है कि आप एक एक बच्चा है उसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, इंटेलिजेंट बच्चा था 50-60% आए, तो बच्चों निराश नहीं होना। जो मार्क्स तो एक क्राइटेरिया है, कई जगह आपको पूछेंगे भाई इतने परसेंट मार्क्स हैं आप फार्म भर सकते हो, इतने परसेंट हैं आप नहीं भर सकते, लेकिन कई जगह आपको मौका मिलेगा। अब डेवलप्ड कंट्री में होता है, जैसे जर्मनी में अगर उनको अच्छा मैथमेटिशियन चाहिए, मैथ का अच्छा टीचर चाहिए, तो वो चार न्यूमेरिकल देंगे और कहेंगे इन चार न्यूमेरिकल को जो कर देगा उसी को हम नौकरी पर रख लेंगे। तो हो सकता है एक ने तो PhD भी कर रखी हो मैथ में और वो चार न्यूमेरिकल नाम निकाल पाए, और दूसरे ने हो सकता है प्लस टू ही की हो और वो चारों न्यूमेरिकल निकाल दे, तो वो किसको लेंगे? जिसने चारों न्यूमेरिकल निकाले। तो अब आने वाला टाइम ये है कि डिग्री की बजाय जो काबिलियत आपकी उसको देखा जाएगा। अब ऐसे जैसे अपने नोबेल प्राइज होता है साइंस में, ऐसे ही मैथमेटिक्स में एक साइंटिस्ट थे, तो उनको जब वो एबल प्राइज मिला उनसे पूछा कि आपके सर नंबर तो बहुत कम आते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एग्जाम में वो ट्राई करता था जो न्यूमेरिकल मेरे को नहीं आते थे, जो आते थे उनको तो मैं छोड़ देता था, मैं सोचता था ये तो मुझे आते ही हैं तो मैं पेपर में लिखता ही नहीं था, जो नहीं आते थे उनको ट्राई करता था, उन्हीं के बेस में मेरे ये 40-45% नंबर आ जाते थे, और बाद में फिर उनको एबल अवार्ड मिला, उनको नोबेल प्राइज के बराबर होता है ये। तो आप देखेंगे कि जितने बहुत बड़े बड़े महानुभाव हैं, अमिताभ बच्चन को कितने बच्चे जानते हैं? जानते हो ना सारे। अब देखो सुपरस्टार है, कितना अच्छा कर रहे हैं, वो रेडियो में इंटरव्यू देने के लिए गए थे और वहां उनको कहा कि आपकी तो आवाज मोटी है, उनको इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं किया, और आज देख लो वो पूरी दुनिया में सारी उनको जानते हैं। ऐसे ही जो एक एडिशन था जिसने बल्ब की खोज की थी, लट्टू है ना अपना बल्ब, इसकी खोज किसने की थी? एडिशन ने। तो एडिशन की माँ को उसके टीचरों ने एक लेटर दिया था, उस स्कूल ने एक लेटर दिया था कि ये बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, माहौल खराब कर रहा है और ये बच्चा आके नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए इसको इस स्कूल से हटा लिया जाए। उसकी मम्मी ने वो लेटर पढ़ा और धीरे से छुपा लिया और जेब में डाल दिया, उस बच्चे को नहीं दिखाया और उसको स्कूल चेंज कर दिया। उसने ये कहा कि बेटे वो दूसरा स्कूल बहुत बढ़िया है, मैं तेरे को उसमें डाल रही हूँ। और वो ही बच्चा बड़ा होके कितना बढ़िया साइंटिस्ट बना, उसने बल्ब की खोज की, और बाद में उसकी मम्मी ने उसको वो लेटर दिखाया। तो अगर उसकी मम्मी उसी दिन उसको लेटर दिखा देती तो बच्चा कितना निराश होता। तो आप देखते हैं कि बच्चे में कई बार टैलेंट होता है, उस टैलेंट को हम नहीं पहचान पाते, उस टैलेंट को कई बार समाज नहीं पहचान पाता, लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हो टाइम आएगा तो बच्चा कामयाब होगा ही होगा। तो हमें कभी निराश नहीं होना, कोई स्टेज नहीं है लर्निंग की, आज तक हम अच्छा नहीं कर पाए, मैथ में अच्छे नहीं थे, आज से हमने स्टार्ट कर दिया कि डेली मुझे होमवर्क करना है, मुझे टीचर से डेली कंसल्ट करना है, आप मैथमेटिक्स पढ़ने वाले टाइम में बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखोगे कि बहुत ऐसी प्रतिभाएं थी, उस टाइम उनको इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो आपको दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है, मार्क्स अच्छे आ गए कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करो बहुत अच्छी बात है, मार्क्स अच्छे नहीं आए निराश नहीं होना, अपने आप को पहचानना है और आप उसमें कामयाब होंगे। जितना आप पानी में या जितनी चाय में चीनी डालेंगे इतनी मिट्टी होगी, इतनी होगी ना, एक चम्मच डाल ली तो इतना टेस्ट बना, दो डाल दी फिर तीन फिर चार, अगर डाल देंगे एक टाइम आएगा ये बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी। तो आप जितनी मेहनत करते हो ऐसे ही आपके जो कैरियर है वो बनता चला जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 10वीं के बाद नौकरी मिल सकती है, हाँ नौकरी मिल जाएगी लेकिन वो उस लेवल की होगी, बाद में आपको हो सकता है कि लगे कि भाई ये नौकरी तो मुझे नहीं करनी थी, मुझे दूसरी करनी थी। आपने 10th के बेस पे कम्पिटिटिव एग्जाम पास किया और आपने नौकरी मिल गई, अब आपको आगे पढ़ना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सरकार ने आजकल कॉरेस्पॉन्डेंस से है, या आप छुट्टी लेके कर लो, आप अपना जो करियर है उसको आप आगे कर सकते हैं। आपने पहले 10वीं की थी, प्लस टू भी हो जाएगी, BSc MSc PhD भी हो जाएगी,
जिस स्टेज पे आपको नौकरी मिली आपको देखना है, क्योंकि हर बच्चे के अपने घर के हालात भी अलग होते हैं। हो सकता है कि अपना घर है वो अलाउ ना कर रहा हो आगे पढ़ने के लिए, आपने कम्पिटिटिव एग्जाम किया, आपने नौकरी ली प्लस टू के बाद, उसके बाद साइड बाई साइड आप लॉ कर लो, आप बीए कर लो, आप बीएससी कर लो, आपकी वो जाएगी और जैसे जैसे डिग्री बढ़ी तो आने वाले टाइम में आप उसी हिसाब से नौकरी मिल जाएगी। अभी बिहार का एक एग्जाम्पल था, वहाँ पे एक पीएन था, वो बच्चों को देखता था ये बीटेक करते हैं, तो वो बात करता था, धीरे धीरे उसने वहाँ के मैनेजमेंट से बात की कि मैं भी डिग्री करना चाहता हूँ, उसने फिर वो बीटेक की, एमटेक की, अब उसी कॉलेज में साइंटिस्ट लगा हुआ है। तो आप एग्जाम्पल देखो, कहाँ वो पीएन था अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता था और कहाँ पे वहीं पे वो लेक्चरर लग गया। तो सीखने की और अपने आप को इम्प्रूव करने की, आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, जो सच्ची मेहनत से काम करेगा उसको भगवान देखता है और उसको रिजल्ट मिलता है। जो चलाकी करता है, कितना इंटेलिजेंट हो, ऐसे सुनने का क्या करे जो कानों को फाड़े, इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन वो चलाकी करता है, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में कभी नहीं सोचता। तो परिवार की परिभाषा पता है ना बच्चों आपको, परिवार किसको कहते हैं, फैमिली, व्हाट इज ए फैमिली, कौन बच्चा बताएगा परिवार क्या होता है, फैमिली क्या होती है? यही प्रश्न है ना, ये क्वेश्चन मैंने एक जर्मन से पूछ लिया, तो मैंने उसको कहा यार तुम्हारा क्या सिस्टम है, तेरे को पता नहीं है तेरा दादा कहाँ है, तेरा ताऊ कहाँ है, तेरी बुआ कहाँ है? तो उनका सिस्टम अपनी तरह नहीं है, जैसे आप 7 पीढ़ी तक जानते हैं, वो अपना आराम से इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो उसने मुझे एक बात कही, बोला यार बलजीत सारा देश ही अपना परिवार है, ये सारे मेरे बहन भाई हैं, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी ये पुलिस रही, बीमार होऊंगा ये डॉक्टर रहे। तो आप देखो उस सोच में कितना फर्क पड़ जाता है कि अपना देश है ये मेरा परिवार है, उसमें आप ईमानदारी से काम करते हो, आप किसी को धोखा नहीं देते, उसे छोटी इकाई कई बार आप सोचते हैं ये अपना हरियाणा है ये परिवार है, उसे और थोड़ा छोटे आ जाते हैं आप सोचते हैं अपना जिला है फतेहाबाद ये परिवार है, फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं अपना गाँव है ये, जैसे सरपंच वगैरह जो सोशल वर्कर है वो सोचते हैं ये गाँव मेरा परिवार है, फिर एक आदमी होता है कड़ुम्बे का, आप मेरा यो कड़ुम्बा है यो मेरा परिवार है, और एक आदमी सोचता है भाई मेरे माँ बाप मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ये परिवार है, और फिर कई बार सोचते हैं कि मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे ये परिवार है ना। तो वो बच्चा जो सोच है हमारी वो मैटर करती है। आप सोचो कि जब आप सोचते हो कि देश मेरा परिवार है, आप ईमानदारी से काम करते हो, देश के लिए काम करते हो, और जब देश खुशहाल होता है तब सारे खुशहाल हैं। दुनिया में डेवलप्ड कंट्री में है उसको लगता है कि भाई मेरा देश इतना बढ़िया है, उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो अपना जो लेवल है थिंकिंग का ना, ये भी बहुत मैटर करता है। तो बच्चों हमें उसी हिसाब से सोचना है कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ आने वाले टाइम में मैं अपने देश की सेवा करूँगा, अपने देश के लिए काम करूँगा। कोई भी आप काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं तो आप सच्चे देशभक्त हैं। हमारे को प्रधानमंत्री भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और एक रिक्शा वाला भी इतना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए पॉलिसी बनाते हैं और एक रिक्शा वाला टाइम पे आपको अपने स्कूल में छोड़ देता है, आपके अस्पताल में छोड़ देता है, अपने घर में टाइम पे छोड़ देता है। तो आदमी की कीमत सबकी है, लेकिन अगर वो आदमी अपना काम है वो ईमानदारी से करना है। तो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा नागरिक बनना है, अपना जो करियर है वो बनाना है, आपको ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा फोकस है या सारा दिन मैं कहाँ लगाता हूँ। शाम को सोने से पहले सोचना है कि आज उस सब्जेक्ट में, आज उस फील्ड में मैंने कितना पढ़ा, और हमेशा अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने से बड़ों से बहुत कुछ हमें सीखना है, तजुर्बा बहुत कुछ सिखा देता है। कई बार हम सोच लेते हैं ना कि भाई मैं तो MSc मैथमेटिक्स हूँ, लेकिन मेरे पिताजी हैं, बड़ा भाई है, ये इनको क्या पता मैथ का, वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता देंगे जो आपने अब तक MSc मैथमेटिक्स कर ली आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी। तो ये जो तजुर्बे हैं ये इनका सहारा लेके अपनी मेहनत करके अपना बढ़िया करियर बनाना है। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और कोई बच्चा अगर किसी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है क्लियर करना चाहे या डिस्कस करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। अब इनको किस लेवल की क्या चीज़ बात बताया जाए ये भी अपने आप में बहुत बड़ी असाइनमेंट है, कि क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ज़्यादा साइंस बता दें डिटेल में तो वो कई बार उनका इंटरेस्ट नहीं बनता है, उनमें इंटरेस्ट भी क्रिएट करना है, उनको मोटिवेट भी करना है ताकि आने वाले टाइम में वो कामयाब हो। धन्यवाद। Thanks a lot, sir, for sharing your best experience, thought, ideas, and motivate children for your future. Thank you, sir. Now I would like to call our respected Suresh sir.